इतने बड़े बुर्ज खलीफा को जब बिजली आकाशीय बिजली गिरती है इसको ध्वस्त करने के लिए, तो किन प्रकार से बचती है? इस बुर्ज खलीफा को ऊपर जो आकाशीय बिजली को बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर यानी कि कहा जाए तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है जो सीधा जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। जमीन से जुड़ने के कारण जो भी आकाशीय बिजली गिरती है उसको डिस्चार्ज करते हैं, जिसके कारण बुर्ज खलीफा का कुछ भी नहीं हो पाता है। चलिए और भी आपको बुर्ज खलीफा के बारे में, इतने आलिशान इमारत के बारे में जानकारी देते हैं। यह बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाए जाने वाली है। और दुबई की यह बात है कि दुबई में प्रत्येक इंसान जो आते हैं टूरिस्ट, उनको यह इमारत खींचता है, अपने आकर्षित करता है। और यह इतने ऊंचे है कि बुर्ज खलीफा को 100 किलोमीटर दूर से भी आप देख सकते हैं। यह इतने बड़े ऊंचा बुर्ज खलीफा को बनाने में किस कंपनियों का कंसंट्रेशन था? सैमसंग कंपनियों का कंसंट्रेशन था इसमें बनाने के लिए इतने बड़े बुर्ज खलीफा इमारत को। यह इतने ऊंचा इमारत कितने ऊंचा है? 828 मीटर ऊंचा है, लेकिन फीट में बात किया जाए 2716 फीट है, यानी कि कितना एक बात में कहा जाए तो एफिल जो टावर है उससे 3 गुना अधिक बड़ा है बुर्ज खलीफा। इस इमारत को बनाने में 6 साल लग गए थे। 6 साल लगने के साथ साथ इसमें $8 अरब का खर्च आया था इसको बनाने में। यह इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा इमारत है, लेकिन क्या क्या इसमें 163 मंजिल यह इमारत है, 85 लिफ्ट बनाया गया है इसमें, साथ साथ में 2957 पार्किंग स्पेस भी है और 304 होटल भी इसमें बनाया गया है। बुर्ज खलीफा का पहला नाम था बुर्ज दुबई, लेकिन कैसे पड़ा? राष्ट्रपति जो दुबई के राष्ट्रपति जिनका नाम था खलीफा बिन जायद अल, उनके सम्मान में बुर्ज दुबई को बुर्ज खलीफा नाम पड़ा। इस इमारत को बनाने में कितने वर्ष लगे थे और कब से कब? 2003 में इनका नींव पड़ गया इस इमारत का और 2004 से कार्य प्रारंभ हो गया, 2010 तक यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया, यानी कि 6 वर्ष लगे थे इस इमारत को बनाने में। इस इमारत को बनाने में कितने क्या क्या लगे थे? 1,00,000 हाथियों का वजन के बराबर इसमें कंक्रीट लगे थे, 380 हवाई जहाज के एल्युमिनियम जो होता है उतने एल्युमिनियम का उपयोग किया गया है, साथ साथ में इसमें 12,000 मजदूरों ने मिलकर बुर्ज खलीफा को बनाए हैं। यह इमारत दुनिया का सबसे बड़ा इमारत है, लेकिन एक समय में कितने व्यक्ति इसमें रह सकते हैं? एक ही समय में 35,000 व्यक्ति रह सकते हैं, इतना इसमें व्यवस्था बैठाया गया है। यह इमारत सबसे ऊंचा इमारत होने के साथ साथ इस पे जो लास्ट फ्लोर पर जाने के बाद इससे ईरान देश यानी कि पड़ोसी देश भी दिखते हैं, ईरान देश। अगर आपको इसमें जाने का एक बार मौका मिले घूमने के लिए तो आप 76वें मंजिल पर इसमें स्विमिंग पूल को बनाया गया है, साथ साथ में 122वें मंजिल पर रेस्टोरेंट को बनाया गया है। यह बुर्ज खलीफा इतने बड़ा है कि दुनिया का रिकॉर्ड पाया हुआ है, लेकिन यह केवल इमारत के बारे में ही नहीं बल्कि 6 और भी कामों के बारे में वर्ल्ड रिकॉर्ड पाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एक नंबर में आइए कि वह सबसे बड़ा इमारत है, दूसरे नंबर की बात किया जाए कि सबसे ऊंचा रेस्ट रूम है, और तीसरे नंबर की बात किया जाए कि स्विमिंग पूल है, साथ साथ में चौथे नंबर में सबसे बड़ा इसमें लिफ्ट है जो सबसे तेज चलता है, लेकिन पांचवें नंबर की बात किया जाए कि सबसे ऊंची मस्जिद है, और छठे की यह बात है कि सबसे ऊंची प्रिस्टिंग भी है इसमें। इस इमारत में खिड़कियां भी है, लेकिन इस खिड़कियां को साफ सफाई करने में कितने वक्त लग जाते हैं? 3 महीने से अधिक दिन भी लग जाते हैं इस खिड़कियों को साफ सुथरा करने में बुर्ज खलीफा को। लेकिन यहाँ क्या कार्य बंद होता है? दोस्तों नहीं, यहाँ कार्य प्रारंभ रहता है और प्रत्येक साल यहाँ काम चलते ही रहता है, यानी कि कभी नहीं बंद होता है। यह इमारत के बारे में, बुर्ज खलीफा के बारे में आपको जानकारी कैसा लगा है? अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को भी दबा दे, और अच्छे अच्छे इसी प्रकार के अमेजिंग जानकारी पाने के लिए, रोचक जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।